हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल देसी गर्ल इन यूएसए। सो गेस गाइस, अभी हम कहाँ आए हुए हैं? अभी हम आए हुए हैं माइकल्स, और यहाँ से हम करने वाले हैं अपनी क्रिसमस की शॉपिंग। और इवन अभी तक हमने एक भी क्रिसमस का डेकोरेटिव आइटम्स नहीं लिया है, तो उसी को लेने के लिए अभी हम यहाँ आए हुए हैं। और इस क्रिसमस के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये हमारा यूएस में पहला क्रिसमस है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। और अभी हम करने वाले हैं क्रिसमस की शॉपिंग। बड़ी मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और मैं लेने वाली बहुत सारा सामान। तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बस यही चल रहा है कि ज्यादा खर्चा ना हो जाए और क्रेडिट कार्ड मतलब स्पाइक ना कर जाए। देखते हैं, अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हमें पसंद आया है ये व्रत, और इसको मैं लगाने वाली हूँ अपने फ्रंट डोर में। और स्टोर को देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे ना होम डेकोर के आइटम बहुत ही अच्छे मिलते हैं, और द स्टोर इज़ आल्सो फेमस फॉर होम डेकोर आइटम्स। तो हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं अपनी जो क्रिसमस के डेकोरेशन की शॉपिंग है वो यहीं से करते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम यहीं पर आए हैं। तो एक चीज़ तो ले ली, अब देखते हैं और क्या क्या ले सकते हैं। तो गाइस, माइकल का काम तो हो गया, और अभी हम जा रहे हैं क्रिसमस ट्री फार्म। तो वहाँ जाके मैं आपसे मिलती हूँ। क्रिसमस ट्री फार्म में पहले डॉलर स्टोर चल लेते हैं। नहीं, हम तो वहाँ जाने वाले थे क्रिसमस ट्री फार्म। मैं बोल रहा हूँ पहले सारा जो भी सामान तुझे लेना है ना वो पता ले, उसके बाद में अपन चल लेते हैं तेरा और क्रिसमस ट्री फार्म पे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं डॉलर स्टोर पे, वहाँ से बाकी क्रिसमस का सामान लेते हैं, फिर निकलते हैं क्रिसमस ट्री फार्म। तो अब हम पहुंच गए डॉलर स्टोर, और मेरी मैक्सिमम क्रिसमस की शॉपिंग ना यहीं से होने वाली, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी मैंने देखा था यहाँ पे क्रिसमस का बहुत अच्छा सामान आया हुआ है। तो जल्दी जल्दी सामान लेते और निकलते हैं, क्योंकि दोपहर के 2 बज चुके हैं और लेट हो रहा है हमको बहुत, क्योंकि इसके बाद हमें क्रिसमस ट्री फार्म भी जाना है। तो चले फिर, चलो चलो जल्दी करो। ओके, निकलते हैं। सो गाइज, यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये बेल्स मैं लेने की सोच रही हूँ, और इसमें मुझे मैं सोच रही हूँ कि छोटी छोटी बेल्स लूँ। तो ये रेड वाली मुझे पसंद आई है, और इसके साथ ये सिल्वर वाली, तो ये लेते हैं रेड और ये सिल्वर वाली ले लेते हैं। बट ये थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, तो छोटी वाली लेती हूँ मैं। तो ये सिल्वर, ये छोटा वाला साइज़ का ठीक है, और ये वाला, तो ये दो मैं ले रही हूँ। और इसके साथ मैंने लिया है ये, इसको मैं क्रिसमस ट्री में पूरा ऐसे रैप करूँगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। तो अभी हम ले रहे हैं क्रिसमस ट्री के ऑर्नामेंट्स, इसमें हम लेंगे सिल्वर और गोल्डन और ये रेड वाला। अच्छी क्वालिटी का देखते हैं कौन सा ले सकते हैं यहाँ से। तो ये वाला है, और ये वाला सही है, एंड कुछ देख के लेना पड़ता है, इसमें कुछ कुछ ख़राब भी होते हैं यहाँ पर। वाओ गाइज, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा सामान रखा हुआ है। एक्चुअली जो क्रिसमस ट्री हम प्लेस करने वाले हैं ना, उसके आजू बाजू जो भी गिफ्ट्स आइटम हम रखेंगे वो सारा आइटम यहाँ पे है। तो मैं लेने वाली हूँ ये बुक टाइप का एक बॉक्स, अंदर से खुला है, ये वाला लूँगी एक मैं, और एक ये, और एक घर, तीनों बड़े बच्चे हैं, ये ले रही हूँ मैं। तो भाई ये तो रुक नहीं रही है यहाँ पे, और ये मेरे क्रेडिट कार्ड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसको जल्द से जल्द यहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना पता चल रहा है डॉलर स्टोर में भी 100-200 डॉलर का बिल चढ़ा दिया इसने। ठीक है, तो फटाफट इसको यहाँ से निकालते हैं और निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब हम पहुँच गए क्रिसमस ट्री फार्म की लोकेशन पे, और अभी अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्रिसमस ट्री फार्म कैसे देखते हैं। और एक बार और बात मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि पहले तो हम लेने वाले थे रियल क्रिसमस ट्री, बट हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताती हूँ क्यों। तो हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था कि भाई यहाँ पे क्रिसमस ट्री फार्म कैसे होता है, क्योंकि इवन ये हमारा यूएस में पहला क्रिसमस है, तो हमने भी नहीं देखा है। तो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्रिसमस ट्री फार्म कैसे रहता है। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं।
क्रिसमस ट्री फार्म्स तो देख लिया, बट वहाँ पे लगभग जितने भी क्रिसमस ट्री थे वो सारे पहले ही बिक चुके थे और आई थिंक हम थोड़ा सा लेट थे उसके लिए। तो अभी हम जाने वाले हैं सैन होजे की बेस्ट क्रिसमस लाइट्स को देखने के लिए, बट वो अभी तो देख नहीं सकते हैं, तो मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ। ऑलराइट गाइज, मैं आ गई हूँ उसी जगह पे जिस जगह की मैं बात कर रही थी, और यहाँ पे लाइटिंग्स तो बहुत ही अच्छी लग रही है और इस घर की डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। और अभी मैं जहाँ बैठी हूँ ना, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उन्होंने ही इसको सारा डेकोरेट किया है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे होता है लाइट फाइट कॉन्टेस्ट, और जो भी लोग उस लाइट फाइट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं, और इतने अच्छे से सजाते हैं कि एड़ी चोड़ी का कह सकते हैं जोर लगा देते हैं। और सजाने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि इसमें एक हेफ्टी अमाउंट होता है जिसके लिए वो विनर को दी जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छी ये लोग यहाँ पे डेकोरेशन करते हैं। तो इस जगह को देखने के लिए बहुत सारे लोग अभी आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। सो ये है लाइटिंग एंड आई एम एंजॉयिंग, आई होप आप लोगों को भी ये लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। मुझे ये तो नहीं पता कि इस हाउस ने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं लाइट फाइट कॉन्टेस्ट में, बट अगर किया है तो ये प्राइस तो डिज़र्व करता ही करता है। और अगर आप यहाँ पे आसपास कहीं रहते हैं ना, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसका एड्रेस देख सकते हैं, और इफ़ यू वॉन्ट टू कम हेयर यू कैन कम हेयर एंड एंजॉय दिस ब्यूटिफुल लाइटिंग। सारा काम कर हम आ चुके हैं घर पे, और आज तो मेरा पूरा दिन डेकोरेशन आइटम्स लेने पे ही निकल गया, और मैंने आपको लाइटिंग्स भी यहाँ की जो क्रिसमस लाइटिंग होती है वो भी आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को वो अच्छी लगी होगी। और ये तो मेरा वीडियो का एक फर्स्ट पार्टी है, एक सेकेंड पार्ट में और बनाऊंगी क्रिसमस का, बिकॉज वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और हाँ, मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मैंने रियल क्रिसमस ट्री क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीज़न ये है, बताती हूँ। क्योंकि हमने ये वाला क्रिसमस ट्री ऑनलाइन टारगेट स्टोर से मंगवा लिया था। रीज़न इसके पीछे ये था कि मैं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला क्रिसमस है, तो मैं चाहती थी कि क्रिसमस ट्री मेरे साथ हमारे घर पे कुछ लंबे टाइम तक रहे, डेकोरेशन का विद डेकोरेशन। अगर मैं रियल क्रिसमस ट्री लेती तो उसमें थोड़ा केयर की ज़रूरत होती है, और वो आई थिंक वो ज़्यादा मतलब ड्राई आउट हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने ये वाला लिया। तो गाइज़, इसकी अनपैकिंग तो मैं आज अभी नहीं कर रही हूँ, अगर मैं इसकी अनपैकिंग करने बैठी और डेकोरेशन करने बैठी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसकी अनबॉक्सिंग और बाकी क्रिसमस की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगले व्लॉग में। सो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, उससे आप लोगों को पता चलता जाएगा जो भी मेरी नई वीडियोज़ आएगी। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।